ओम शांति। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की सबको बहुत 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 हार्दिक बधाइयां हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन कैसा एक न्यारा निराला बंधन है, और इस बंधन में हम सभी बहुत खुशी खुशी से बंध जाते हैं। वास्तव में ये त्योहार एक विजयी का प्रतीक है, जो याद दिलाता है कि भारत के अंदर जब इंद्र राजा को असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी, तो इंद्राणी ने ये विजय का रक्षा सूचक बांधा था, विजय का तिलक लगाया और वो विजयी होकर के लौटे। उसके बाद कहा जाता है कि समाज के अंदर मर्यादाओं की रक्षा करने हेतु ब्राह्मणों ने यजमानों के पास जाकर के ये रक्षा सूत्र बांधा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संसार के अंदर विकृतियां बढ़ती गई, तो सबसे पवित्र रिश्ता भाई और बहन का रहा। और ऐसे समय पर बहनों ने भाइयों से यही रक्षा की उपेक्षा रखी कि भाई हमारे जीवन की पवित्रता की रक्षा करे, और साथ साथ ये भी शुभकामना रखी हर बहन ने अपने मन के अंदर कि हमारे भाई भी अपने जीवन के अंदर ये पवित्रता की मर्यादा की रक्षा करें, और साथ ही साथ हर बहनों के जीवन के भी रक्षा करें। परंतु वर्तमान समय जब चारों ओर नजर घुमाते हैं, तो ऐसा समय आ गया है, एक ऐसा महामारी सारे विश्व के अंदर फैल गई कि आज के समय में न कोई बहन जा सकती है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, न कोई भाई आ सकते हैं अपने बहनों के पास राखी बंधवाने के लिए। ऐसे समय में दूर बैठे ही एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं प्रकट कर रहे हैं, परंतु परमात्मा हम सभी का परम रक्षक है, और इसीलिए वो परमात्मा ही परम रक्षक बनकर के हम सभी के जीवन की इन मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए निमित्त है। साथ ही साथ क्यों नहीं इस रक्षाबंधन को ऐसे अलौकिक दिव्य रीति से हम मनाएं, जहां हम परमात्मा से विजय का तिलक प्राप्त करें, साथ ही साथ ये रक्षा सूत्र उन्हीं से बंधवाएं, इस शुभ संकल्पों के साथ, मनस्थिति के साथ कि मैं आत्मा और परमात्मा मेरा सुप्रीम पिता तो है ही है, लेकिन साथ में मेरा बड़ा भाई भी है। और उस संबंध से, क्योंकि एक परमात्मा ही है जिनसे सर्व संबंधों का सुख हम लेते हैं, तो परमात्मा ही हमारा भाई है जो हमें इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन वर्तमान समय में हमें अपने तन की भी रक्षा करनी है महामारी से, और उसके लिए हम जो भी वर्तमान समय में सुरक्षा के माध्यम है उनको अपनाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ अपने मन को अनेक प्रकार की विकृतियों से सुरक्षित रखें, अपनी भावनाओं को इतना सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं जो भावनात्मक रीति से अपने मन को इतना ऊंचा उठाए, जिसके लिए कहा जाए कि अपने अंदर ऐसी एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएं
कि जिस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी से हमारा मन दुरुस्त रहे, भावनाएं दुरुस्त रहे और तन दुरुस्त रहे। जिस तरह से अपने अंदर रही हुई कमजोरियां हमें परेशान करती है, हमें आगे बढ़ने से रुकावट डालती है, विघ्न डालती है, तो क्यों नहीं यही सौगात ईश्वर को हम भेंट कर दे और सदा के लिए अपने जीवन को इन कमजोरियों से भी मुक्त करके संपूर्णता की ओर या बाप समान बनने की ओर हम अपने पुरुषार्थ के कदम को आगे बढ़ाते जाएं और इस कदम को आगे बढ़ाते हुए बाबा जो हमसे चाहते हैं उसका स्नेह पूर्वक रिटर्न देते हुए अपने आप को टर्न कर ले। इसी सुंदर तरीके से अलौकिक दिव्य रूप से इस रक्षाबंधन को मनाते हुए हम अपने आप को संपूर्णता की ओर ले चले। पुनः बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। ओम शांति।